नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अभी तत्कालीन अपडेट यह देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि अफसरों की लापरवाही से 73,000 किसानों को नहीं मिलेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 73 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तय समय में पंजीयन इनका नहीं हो पाया है और जाने कहाँ कितने किसानों का चूक हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, सरगुजा में हुआ है, देख सकते हैं, सूरजपुर में हुआ है, इसी तरह कोंडागांव में हुआ है, कोरिया में हुआ है, तो कई जिलों में किसानों का इस तरह से पंजीयन में चूक हो पाया है। तो 2020-21 का तो अभी चौथा किस्त मिला ही नहीं है किसानों को, जो धान का बोनस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दिए जाते हैं। तो अब आगे क्या मिलेगा इसके लिए ये अपडेट है। देख सकते हैं कि 2020-21 में तो चौथा किस्त दिया जाना है जो नहीं मिला है, लेकिन वो भूपेश बघेल सरकार को जल्द से जल्द किस्त, चौथी किस्त दी जानी देनी चाहिए किसानों को। लेकिन ये अपडेट देख सकते हैं आगे के लिए है, ये 2021-22 में क्या किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लाभ मिलेगा। अगर लाभ मिलता है तब जो किसान छूट गए हैं इसमें, देख सकते हैं, जो तय सीमा तक पंजीयन नहीं हो पाया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें इसमें सामने आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल आज ही न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिसमें कहा गया कि अफसरों की लापरवाही से 73,000 किसानों को नहीं मिलेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 73 करोड़। और आप जानते हैं जो किसान भाई हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अभी पिछले 3 वर्ष का चौथा किस्त बचा हुआ, जो कि भूपेश बघेल सरकार को जल्द जल्द दी जानी चाहिए चौथा किस्त किसानों को।